नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। संतान की मंगल कामना का व्रत है अहोई अष्टमी। आज अहोई अष्टमी से जुड़ा हर जानकारी आपको हम इस खास अंक में देने वाले हैं। संतान के कल्याण की प्रार्थना के लिए महिलाएं ये त्योहार मनाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है अहोई अष्टमी की महिमा और उपवास के दौरान किन नियमों और खास बातों का ध्यान इस दौरान आपको रखना है। संतान के कल्याण का व्रत। संतान के उत्थान का व्रत। संतान के कष्टों को दूर करने का अहोई अष्टमी व्रत। संतान का कल्याण, एक माँ की हमेशा यही कामना होती है। माँ चाहे कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, वो अपनी संतान को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। संतान के सुख के लिए भले ही उसे ईश्वर को ही क्यों न मनाना पड़े, संतान के कल्याण, संतान की मंगल कामना का ही व्रत है अहोई अष्टमी। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के ऊपर मंडराने वाला हर अहित हित में बदल जाता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व संतान के लिए है। करवा चौथ के ठीक चार दिन बाद यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी पे माएं अपनी संतान की आयु वृद्धि, उनके स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं और यह भी निर्जला व्रत होता है करवा चौथ की तरह ही। जैसे करवा चौथ में सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, वैसे ही उसी मन, कर्म और वचन के साथ में माएं अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती हैं जिससे उनकी सुख समृद्धि बढ़ सके। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई माता यानी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं इस दिन अपने संतान के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। संतान नहीं हो पा रही हो तो उनके लिए भी ये व्रत विशेष है। संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो या दीर्घायु न हो तो ये व्रत शुभकारी माना जाता है। इस दिन विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। अहोई अष्टमी पूरे साल में पड़ने वाला एक ऐसा व्रत है जिसकी महिमा को चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। दरअसल माँ की ममता का पता इस दिन ही चलता है। आज अगर आपने रखा है अहोई अष्टमी का व्रत तो गौर से समझिए कि उपवास के साथ किस विधि के साथ की जाए माँ पार्वती की उपासना। उपवास के जो नियम है वो ये है कि सुबह उठ के स्नान करके उसके बाद में निर्जला व्रत सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाता है और जल भी ग्रहण नहीं करती माएं इस दिन। और शाम को जब तारा उदय होता है उसके बाद तारे को जल देकर उसके बाद फिर वो जल ग्रहण करती हैं। तो बहुत ही कठिन व्रत होता है। सर्गी में तो करवा चौथ में तो ऐसा होता है कि सूर्योदय से पहले कुछ प्रसाद ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन इस व्रत में कोई प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। तो इस व्रत में ये नियम जरूर अपनाना चाहिए कि निर्जला व्रत रखें और साथ ही मन में ये संकल्प लें कि मेरे बच्चे की, मेरे संतान की जो भी कष्ट बाधाएं हैं वो उसके जीवन से दूर होती चली जाए। अहोई माता की आकृति गेरुआ या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध भात, हलवा, पुष्प, दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली पुष्प दीप से पूजा करें, उन्हें दूध भात अर्पित करें, फिर हाथ में गेहूं के सात दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुनें। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला को दिवाली के दिन निकालें और जल के छींटे देकर सुरक्षित रख लें। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि इस तरह से किया जाने वाला पूजन और उपवास व्रती के लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक असर दिखाता है। मान्यता है कि इस विधि से पूजन और उपवास करके आप अपनी संतान को खुशियों का वरदान दे सकते हैं। जितनी भी माएं हैं जो इस व्रत को रखेंगी वो अपने मांग का सिंदूर अपने
बेटे या बेटी के माथे पे तिलक के रूप में लगाएं। मांग का सिंदूर में बहुत बड़ी शक्ति होती है और करवा चौथ का व्रत रखने के बाद अहोयष्टमी जो व्रत रखता है उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। तो वो सिंदूर जो अपनी मांग का सिंदूर है, अपनी मांग से सिंदूर निकाले और अपने संतान के माथे पर लगा दे, उससे संतान की जो सुख समृद्धि है वो और बढ़ती चली जाएगी, उसको स्वास्थ्य कष्ट भी नहीं होगा और आयु की वृद्धि भी होगी। अहोई अष्टमी व्रत के साथ लेकिन कुछ नियम और सावधानियां भी जुड़ी हैं, वो भी समझिए। अहोई माता के व्रत में बिना स्नान किए व्रत पूजा अर्चना ना करें। काले गहरे नीले रंगों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। व्रत विधान में किसी भी जीव जंतु को चोट ना पहुंचाएं और ना ही हरे भरे वृक्षों को तोड़ें। अहोई माता के व्रत में पहले इस्तेमाल हुई सारी पूजा सामग्री को दोबारा इस्तेमाल न करें। पुराने मुरझाए फूल या पुरानी मिठाई व्रत में प्रयोग न करें। अहोई अष्टमी जो व्रत है इसमें सावधानी जितनी भी माएं हैं उनको ये रखनी चाहिए कि मन उनका साफ रहे, और मन साफ रहेगा तो जो संकल्प शक्ति उनकी होगी वो उनकी संतान को एक आशीर्वाद के रूप में प्रदान करेंगी। जितनी भी माएं हैं वो इस दिन जब व्रत रखती हैं, सावधानी उनको ये भी बरतनी होगी कि उन्हें कोई भी धारदार वस्तु का उपयोग नहीं करना है, सफेद वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है पूजा पाठ के दौरान, सफेद वस्त्रों सफेद जितने भी वस्त्र होते हैं उन्हें नहीं धारण करना है, और साथ ही कोशिश करें कि मांगलिक वस्त्र पहने, मांगलिक रंगों के वस्त्र पहने, तभी इस व्रत का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त होगा। जिन लोगों की संतान दुख में हो या जिन लोगों की संतान सफलता की सीढ़ियां न चढ़ पाती हो, ऐसी संतान की माताओं को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। ये व्रत रखने से माँ पार्वती का आशीर्वाद माताओं को तो मिलता ही है, उनका रक्षा कवच संतानों को भी प्राप्त होता है। आगे हम आपको बताने वाले हैं अहोई अष्टमी पर किए जाने वाले ऐसे उपाय जिनको करके आप अपनी संतान की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इस एक व्रत में आप अपनी संतान के जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं, फिर चाहे संतान की शिक्षा में समस्या हो या फिर पारिवारिक जीवन में। मातृत्व के वरदान से इस व्रत से कैसे दूर करें अपनी संतान के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, देखिए। अहोई अष्टमी पर कीजिए खास प्रयोग, दूर होंगे संतान से जुड़े सभी दुर्योग। संतान की मंगल कामना का दिन है अहोई अष्टमी, उसकी लंबी आयु और उसके लिए माता अहोई से सुख समृद्धि मांगने का दिन है ये। अहोई अष्टमी पर संतान की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के भी कुछ उपाय होते हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत में किए जाने वाले कुछ खास प्रयोग। सबसे पहले आपको बताते हैं संतान की शिक्षा, करियर, रोजगार में बाधाएं आ रही हो तो क्या प्रयोग किए जाने चाहिए। अगर शिक्षा और करियर में समस्या हो तो अहोई माता को पूजन के दौरान दूध चावल और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध चावल खिलाएं, फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे दें और फूल को सुरक्षित रखने को कहें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन एक खास प्रयोग आपको बताएंगे और इसका जो आधार है वो हमने महाभारत काल से लिया है। महाभारत काल में गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी और दुर्योधन से कहा था कि मैं तुम्हें देखूंगी अपनी आंखों की पट्टी उतार के तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। इतनी शक्ति है एक माँ के संकल्प में, वही संकल्प शक्ति के साथ माओं को अपने संतान को आशीर्वाद देना है। ये प्रयोग संतान की करियर और शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए रामबाण होता है। संतान की शिक्षा रोजगार ठीक हो मगर उसका पारिवारिक जीवन ठीक ना चल रहा हो तब क्या करें? परेशान मत होइए, ज्योतिषाचार्य इसके लिए भी एक खास प्रयोग बताते हैं जिनको करने से संतान से जुड़ी वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान का पारिवारिक जीवन खराब चल रहा हो
तो अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चेन अर्पित करें। माँ पार्वती के मंत्र ओम ह्रीं उमाय नमः 108 बार जपें। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहनाएं। उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। कई बार संतान की सेहत भी उसकी प्रगति में बाधा का कारण बन जाती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं संतान की अच्छी सेहत से जुड़ा ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताया गया ये खास प्रयोग। संतान की अच्छी सेहत के लिए ओम नमः शिवाय या ओम जू सह का 11 बार जाप करें। मानसिक जाप भी कर सकते हैं। माता अहोई को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर ऋतुफल का भोग लगाएं, क्रोध करने से बचें, प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोलें। तो ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए अहोई अष्टमी के दिन ये खास प्रयोग किए जाएं तो लाभ होता है। संतान की मंगल कामना के लिए ही महिलाएं इन विशेष उपायों को आज कर सकती हैं। अगर संतान को संतान नहीं हो रहा हो, संतान ही संतानहीन है, तब भी माता अहोई से आज मांग लीजिए अपनी संतान के लिए वरदान। इससे जुड़ा महा उपाय हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं संतान को सुखी और संपन्न बनाने वाले व्रत अहोई अष्टमी की। अगर किसी वजह से संतान ही संतानहीन हो तो क्या उपाय कर सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, क्योंकि अहोई अष्टमी का ये उपाय आपकी ये मुश्किल भी दूर कर सकता है। अपनी संतान की संतान होने की कामना उत्सुकता परिजनों को रहती है, लेकिन कई बार अलग अलग कारणों से ऐसा नहीं हो पाता। कई बार कुछ कारणों से संतान को संतान सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत करके माँ पार्वती से अपनी संतान को संतान सुख का वरदान देने की प्रार्थना काफी असर दिखाती है। चलिए आपको वो खास प्रयोग बताते हैं। अगर संतान ही संतानहीन हो तो अहोई माता और शिवजी को दूध भात का भोग लगाएं। चांदी की 9 मोतियां लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। अहोई माता को माला अर्पित करें और संतान को संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के उपरांत अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। अहोई अष्टमी के दिन जब आप जल अर्घ दे दें, उसके बाद जल ग्रहण करने से पहले सिर्फ 2 दाना ही चावल आशीर्वाद के रूप में, चावल जिसको हम अक्षत कहते हैं, कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि वो अक्षत जो है वो टूटा हुआ ना हो, वो अक्षत अपनी संतान को भेंट स्वरूप दें या आशीर्वाद स्वरूप दें, और संतान जो बच्चे हैं वो उस आशीर्वाद को सदा अपने साथ रखें, तो उनका जो आशीर्वाद होगा वो उनके जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि संतानहीन महिलाओं को ये व्रत करके माँ पार्वती से मातृ सुख का वरदान मांगना चाहिए। माँ पार्वती की कृपा से महिलाओं को संतान से संबंधित हर वरदान मिल सकता है। तो फिर अहोई अष्टमी पर कीजिए माँ पार्वती का पूजन और उनसे पाइए अपार आशीर्वाद। तो इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।